आज हम मैथ्स का चैप्टर 7 करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सबसे पहले मान लेते कि चलो इन्वेंट किसने किया होगा। तो इन्वेंट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किसने, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे बच्चों जिनका नाम था रेने डेस्कार्टस। क्या नाम था? रेने डेस्कार्टस। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी सोचा मैं आपको बता देता हूँ। तो अब क्या करना है आपको, कहीं जाना नहीं है, घर पे रहना है, समझे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली इस चैप्टर में किस काम आएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप ग्राफिकली किसी भी 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितने भी पॉइंट हो गए उनके बीच में आप डिस्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो मैंने सोचा पहले आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं। तो मैंने क्या सोचा है? फिर बाद में मनाया यार पहले बच्चों को ये भी तो सिखा दूं कि वो ग्राफिकली डिराइव कैसे हुआ, ठीक है? तो इससे छोटी सी चीज थोड़ी बता देता हूं मैं आपको। शायद पता होगा कि 9th में आपने ये सीखा था, एक्सिस को हम एक्सिस कहते हैं और ऑर्डिनेट को हम वाई एक्सिस कहते हैं, और जब दोनों को मिला दें, क्या करते बच्चों, मिला दें, तो दोनों को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट बन जाता है ना बच्चे किसी भी पॉइंट का। तो फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। तैयार हो? नहीं भी तैयार हो तो देख लो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, ठीक है? तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ये आपका x एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये y एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है बच्चों? दिस इज द ओरिजिन विद सेंटर O, ठीक। अब मान लेता हूं मैं यहां पर कहीं मेरे पास दो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। लेट्स से एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, y और y, और कहीं दूर जब दिन ढल जाए, एक कहीं दूर एक पॉइंट है Q, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2 मान लेता हूं, ठीक है बच्चों? ये एक्सिस होगा, ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है? अब क्या करना है बच्चों, आपको इस P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है x एक्सिस पे। तो टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट बना लेता हूं। तो मान लो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसका नाम दे दिया L और M, ठीक है? अब आपने P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, Q से x एक्सिस पर फिर से एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो y पे भी करना पड़ेगा ना बच्चों, क्लास में ना इंसाफी नहीं चलनी चाहिए। तो चलो P से हम y एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको नाम दे दो D, इससे भी ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे दो C, कर दिया, करा ना? चलो अब क्या करना है बच्चों, ये जो खामखा इतनी खाली लाइन दिख रही इसको भी ज्वाइन कर दो और इसका नाम दे दो R। और अब हमें क्या करना है, इस PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये तो निकालना होगा, PQ के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो निकालने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। अगर मैं कहूं आपका OM x एक्सिस पे है, OM का एब्सिसा बताना बच्चों, OM का एब्सिसा क्या दिख रहा है, x2, हाँ OM क्या दिख रहा है आपको, x2 दिख रहा है ना? इसी तरीके से बच्चों OL दिखा देखना क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, x1 ना, OL x1 दिख रहा है, ठीक है? अब आपको मैं एक छोटी सी चीज फाइंड आउट करने के लिए बोलता हूं, आप PR फाइंड आउट करके बताओ, PR कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर PR कैसे निकलेगा, ऑब्वियसली अगर मैं इस OM में से OL माइनस कर दूं तो ये LM निकलेगा और LM PR के बराबर है, सिंपल सी बात है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, OM में से अगर आप LM माइनस कर दो, इस पूरे में से ये माइनस कर दो, नहीं सॉरी, इस पूरे में से OL माइनस कर दो तो ये LM बचेगा और LM और PR बराबर है ना? तो PR अगर आपको निकालना है तो OM में से क्या माइनस करना पड़ेगा, OL। PR अगर आपको निकालना है तो OM में से माइनस करो OL, ठीक है? अब OM का क्या देखा था आपने, एब्सिसा x2, x2 माइनस OL क्या था आपका, L का कोऑर्डिनेट क्या था, x1, ये निकल, ठीक है? अब क्या करना है बच्चों, इसी तरीके से आपको QR निकालना पड़ेगा, PR निकल गया, QR निकाल, देखो QR निकाल, मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव करते बच्चों वो सिखा रहा हूं। देखो QR, ध्यान से सुनना, QR कहां पर दिख रहा है मुझे, y एक्सिस के साइड दिख रहा है। तो कैसे निकलेगा, अगर आप OC में से OD माइनस कर दो, कैसे करो, OC में से OD माइनस करो, है ना? अब OC कोऑर्डिनेट देखना y एक्सिस का क्या दिख रहा है, y2, यार आप तो बहुत सही सीख रहे हो सच में, और OD क्या दिख रहा है इसका, y1, यार सीख गया यार, PR और QR निकल गया। अब जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से, PQR क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, बताना था शायद मुझे, ये आपको पता था शायद, बताना था शायद। तो PQR क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या है आपका पी क्यू, हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस थ्योरम पता है कि नहीं पता, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पीटी शॉर्ट फॉर्म देख रहा पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे ये बताओ बच्चों, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, मुझे तो ये तो निकालना था डिस्टेंस, पी क्यू का डिस्टेंस है ना, ठीक है। पी आर क्या निकाला बच्चों आपने अभी देखना जरा, एक्स टू माइनस एक्स टू स्क्वायर है ना, यही होगा आया, यही होगा यही होगा। क्यू आर क्या निकाला था, वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर निकाल दिया। ओहो, अब हमें तो सिर्फ पी क्यू निकालना था ना, स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना था, स्क्वायर भी चाहिए था ना। तो ये जो स्क्वायर है उधर जाके क्या होगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये तो सीखा ही होगा नाइन्थ में। हाँ, तो पी क्यू जो होगा ये जो स्क्वायर होता है बच्चे उधर जाके स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट को इधर ट्रांसपोज करोगे तो स्क्वायर बन जाता है, उल्टा होता है बच्चे, स्क्वायर रूट को अगर आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो वो स्क्वायर बन जाएगा, अगर आप स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से, स्क्वायर रूट बन गया, अब नीचे जो बच्चे बेचारे दिख रहे हैं अनाथ से, उनको छत्र छाया दे दो, दे दिया छत्र छाया, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। बच्चों ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ में आया कैसे निकलता है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आप ग्राफिकली कैसे ड्राइव कर सकते हो, ये है फॉर्मूला, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला, है कुछ भी नहीं था बच्चों, आपने मैंने क्या करा था, एक पॉइंट ले लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए एक्स वन कॉमा वाई, एक कोऑर्डिनेट एक और लिया पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट था एक्स टू कॉमा वाई, पॉइंट पी क्यू था। अब मुझे पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो मैंने क्या करा था, ये बच्चों आता तो है नहीं पेपर में, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं पता नहीं क्यों आपको सोच रहा थोड़ा सा सिखा दूं कि कैसे आप ग्राफिकली वो डिस्टेंस फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, इस वजह से समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये पी क्यू के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने क्या करा था, पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एल, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एम, ठीक है। अब मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वाई एक्सिस भी करना है ना, क्योंकि क्लास में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो P से मैंने y एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसका नाम था D, Q से भी करा जिसका नाम था C, ठीक है, और मैंने PR को जॉइंट कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब आप कह सकते हो DP को एक्सटेंड कर दिया R, यहाँ पे आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। हमें PQ निकालना था तो मुझे PR और QR चाहिए था, इस वजह से मैंने PR और QR ही निकाला और कुछ नहीं निकाला, ठीक। अब देखो, तो मुझे PR निकालना था, तो मैंने देखा यार ध्यान से, अगर मैं OM में से OL माइनस कर दूं तो LM बचेगा और LM PR के बराबर है, सिंपल सी बात। तो ओ एम देखा मैंने, एम का कोऑर्डिनेट क्या लिख रहा है एक्स टू, यहाँ लिख दिया मैं, फिर ओ एल देखा, एल का कोऑर्डिनेट क्या लिख रहा है एक्स वन, यहाँ लिख दिया, ओ सॉरी एक्स टू, वो देखा गलती पता चल गई, एक्स वन है ये, है ना, इसने बताया नहीं मुझे, देख रहा हूँ मैं सबको, ठीक है। तो ओ एल, अब एल एम निकालना था, यानी एल एम और पी आर बराबर है, तो पी आर कैसे निकलेगा, इस पूरे में से ये माइनस है, तो एक्स टू माइनस एक्स टू। सेम बच्चों क्या निकालना आपको, क्यू आर, क्यू आर देखो किस पे दिख रहा है आपको, वाई एक्सिस पे, तो क्या करना है आपको, OC में से OD माइनस कर दो, OC का कोऑर्डिनेट y2, OD का कोऑर्डिनेट y1, यानी y2 माइनस y1। अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें से PQ हाइपोटेनस है, ये बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे निकलता है ना हाइपोटेनस। तो PR क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR क्या निकला, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ पी क्यू चाहिए, स्क्वायर थोड़ी चाहिए, स्क्वायर फटाफट उधर भेज दो, जैसे ही वो फ्लिप होकर जाएगा वो बेचारा स्क्वायर रूट बन जाता है, तो ये इसको छत्र छाया देगी और ये बन गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी किसी भी पॉइंट के बीच में आपको अगर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है या डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आपको, पक्का दो बार समझाते हैं बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा तो यार कमेंट बॉक्स में दोबारा बता देना, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। अब आप इस फॉर्मूले को समझ चुके हो तो आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करा देता हूं सो दैट तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आए, प्रैक्टिकली करके दिखा दूं, आई होप समझ में आ गया ना मामला। चलो हम आगे बढ़ते हैं, चलो जाना नहीं है, नहीं घर पे रहना, कुछ घूमने बाहर है, चलो बच्चों चलते हैं। बहुत आसान है बच्चों सच में यार, आपको रटना वगैरह कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत करो और बिना देखे, एक बार जब समझ में आया तो बिन देखे, बिना देखे नोट डाउन किया करो, बिना देखे उतारा करो, दिमाग में जब जोर पड़ेगा ना तो अल्टीमेटली बहुत चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहेगी। सूत्र है ये, याद कर लेना काम आए। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का 7.1 का क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं आपके पास, तो मैं क्या कर लेता हूं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, एक पॉइंट है आपका 2.3 और एक है आपका 4.1। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अभी हमने सीखा। अब मान लेता हूं ये मेरा कोई पॉइंट है ए मान लेता हूं और ये मेरा बी है, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, पहला जो होगा हमेशा उसको x1 मान लेना, y1 मान लेना और इसको x2 और इसको y2 लेट कर लेना हमेशा। अब क्या करना है, AB के बीच का डिस्टेंस, यानी क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, बता दो फटाफट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना, आया ना समझ में यार, फॉर्मूला सिखाने का कोई तो मतलब हुआ, देखो आ गया ना समझ में आता है। आप ध्यान सुनना बच्चों, इसमें ना कभी भी कोई चीज माइनस का नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेट, तो चलो देखते हैं। और हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये अगर आप x1 y1 x2 y2 ऐसे लिख लोगे तो सच में आपको ही बेनिफिशियल, मतलब एक तरीके से फायदा आपको ही होगा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, क्योंकि आपको लिखने में फिर नहीं ढूंढना पड़ेगा यार इसमें x2 क्या है y1 क्या है, ऐसे नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो देखो कैसे करना, जैसे मैंने समझदारी करके पहले लिख दिया था, x2 क्या लिख रहा है 4 माइनस x1 क्या लिख रहा है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या लिख रहा है 1 माइनस y1 क्या लिख रहा है बताओ ना, 3 दिख रहा है यार, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, पहले बोला था बच्चे इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं आना पॉजिटिव आना है, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया अंडर रूट 8। अगर आप इसे चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे होगा, ओ ये जेल होता है बच्चों मेरे लिए, स्क्वायर रूट को मैं जेल मानता हूँ, अगर किसी भी नंबर को इसे स्क्वायर रूट से बाहर आना है ना तो कम से कम उसके पास पावर 2 होनी चाहिए, यानी कम से कम वो 2 बार होना चाहिए, तो इस जेल में ये बेचारा दोनों निकल सकते हैं बाहर, है ना, क्योंकि ये 2 बार जैसे ही बाहर निकलेंगे एक हो जाते बेचारा बांध रहे के अंदर, तो इस बार 2√2 लिख सकते हो आंसर, ये डिस्टेंस निकल गया इन दो पॉइंट, क्लियर हो गया। कुछ नहीं करना बच्चों, दो भी दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक को आप कोई भी नाम दे दो, ए दे दो, बी दे दो, पी दे दो, क्यू दे दो, कुछ भी दे दो, और पहले वाले में x1 y1 दूसरे वाले में x2 y2, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है, पुट करना है और नॉर्मल सा सब सब कुछ वही सेम चलेगा। आगे करा हूं, हाँ चलो करा देता हूँ, तुम तो खुद से करने वाले है, तुम लोगों को आदत पड़ी है ना एक एक क्वेश्चन कराने की, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रही, मेहनत खुद से नहीं कर रही, चलो कोई दूसरा करते, मैं थर्ड करा देता हूँ, थोड़ा सा थर्ड थोड़ा अलग है, तुम नंबर वाला खुद से कर लेना। देखो ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये ठीक है। एक चीज और बच्चों, आप इसमें किसी को भी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू किसी को भी मान सकते हो, किसी को भी, ठीक है, तो मैंने इसको एक्स वन वाई वन एक्स टू और y2 मान लिया ना, ठीक है, फिर जब मान लिया तो चलो फिर हम मैं क्या कर सकता हूँ, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो b के कोऑर्डिनेट से a के कोऑर्डिनेट से b के कोऑर्डिनेट से, दैट्स इट, चलो क्या करना है, मुझे ab के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला, और क्या है, कुछ भी नहीं है यार, अंडर x2 क्या लिख रहा है आपको जल्दी बताओ, माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर, ये यही तो है ना एक्स टू माइनस एक्स वन है ना, प्लस वाई टू क्या लिख रहा है माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों यहां तक, चलो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी ए प्लस ए टू ए, लेकिन माइनस का टू ए है होल स्क्वायर, प्लस ये भी क्या होगा माइनस टू बी का होल स्क्वायर, चलो फिर यहां तक आगे तो आगे भी सॉल्व करो, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यानी पॉजिटिव फोर ए स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना होगा ये भी पॉजिटिव फोर बी स्क्वायर होगा, ये कुछ ऐड कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो तो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है क्या फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, अब क्या करना है बच्चों इसमें से, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 into 2, ठीक है a square plus b square, ऐसे भी कर सकते हो है ना, अब इसमें से 2 अकेले बाहर निकल सकता है क्योंकि j है, तो 2 under root क्या रहेगा a square plus b square,
इसे आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसलिए जरूरी नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर पीछे मिल जाए, अगर आप इस टाइप से ही कर रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, किस पे? एक छत, एक किसके नीचे? रूट के नीचे, स्क्वायर रूट के नीचे। समझ में आ गया यहाँ तक? अब इसमें देखो बच्चों, आपका सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, डिस्टेंस निकालना है। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करा दूं, चलो करवा देते हो यार, जब इतनी दूर आ गए हैं तो थर्ड क्वेश्चन भी करवा देते हैं। देखो सबसे पहले कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर तीन पॉइंट्स के बीच में आप दिखा सकते हो, तीन पॉइंट्स के बीच में कोलिनियर। अब देखो यहां पे अभी तक हमने डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकाला था, अब तीन पॉइंट्स के बीच में निकालना। कोलिनियर का मतलब होता है जैसे तीन पॉइंट्स होंगे तो तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी तीन बार लिख लेगा ए बी सी ऐसे, मतलब ट्राइंगल बन रहा है। तो कोलिनियर क्या लिख लेगा? किसी भी दो का डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम किसी भी तीसरे के बराबर होना चाहिए। क्या बोला कोलिनियर का मतलब? किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस, किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम तीसरे, किसी भी तीसरे पॉइंट के बराबर, डिस्टेंस के सम के बराबर होना चाहिए। कोलिनियर का सिंपल मतलब है, जो तीन पॉइंट होंगे तीनों का डिस्टेंस लिख लेगा तो कोई भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम जो होगा ना तीसरे के बराबर होगा। अगर आ रहा है तो वो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन में यही बताना है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। दिस 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 मतलब ये 1.5, 2.3 और -2, -11 ये कोलिनियर है ये, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। तो ये आपका पहला पॉइंट क्या मानूं मैं इसको? ए बी सी, डरने की जरूरत नहीं बच्चों, सेम ही लिख लेगा। पहले किसके बीच में डिस्टेंस निकालो, ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी या सी, कुछ भी तीन डिस्टेंस लिख लेंगे। तो फटाफट निकाल लेंगे, सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस, ए बी का मैं लिख देता हूं यहां पर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो एक्स टू माइनस एक्स वन फॉर्मूला याद रखना, तो यानी 2-1 का होल स्क्वायर, फिर वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन यानी 3-5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 1+4 कितना हो गया बच्चों अंडर रूट 5 निकल गया, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, ए बी निकाल के आप बी सी पे चलते हैं। बी सी फॉर्मूला अब तक तो याद होना चाहिए, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू क्या दिख रहा है आपको? अब इसमें निकाल देना बच्चों बी और सी, तो बी ये ऐसे हो जाएगा और ये एक्स टू वाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस यानी -11-3 का होल स्क्वायर, हो गया यहां तक। bc इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, पॉजिटिव में 16 प्लस कितना होता है 14, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। bc इज इक्वल्स, दोनों को जोड़ दो बच्चों, 6 और 6 12 कैरी 1 10 और 11 112, ठीक है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, नहीं तो फिर बाद में होते रहोगे। सिंपलीफाई करना है तो अगर इसको ऐसे कर दो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करोगे तो 2×2=10, 1×2=12, फिर 2 से करोगे तो 2×4=8, 16, फिर 2×2=14, फिर 2×7, फिर 7×7 मतलब 2×2×2×2×2×7 जेल से बाहर निकाल दो बच्चों, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो भी जेल से बाहर निकले कम से कम 2 बार होना, ये 2 बार होगा तो अकेला बाहर निकल सकता है, ये भी अकेला बाहर निकल सकता है, अंडर रूट बेचारा 2 रहेगा, आंसर भी हो गया सच में 4√7, ठीक है 4√7। अब क्या करना है, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, आप तीसरा डिस्टेंस जल्दी बटा फटाफट, ए सी या सी है जो भी करना चाहो तो ए सी कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अगर आप ए सी ले रहे हो तो बच्चों एक्स वन वाई वन ही हो जाएगा, एक्स टू वाई टू हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2-1 का होल स्क्वायर प्लस -11-5 का होल स्क्वायर, ठीक है। AC इज इक्वल्स अंडर रूट माइनस माइनस प्लस 3 होता है, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा पॉजिटिव 9 प्लस 16, 16 का स्क्वायर बताओ 256, जोड़ दो इसको कितना होगा 9 6, बताओ ना 9 6 15 कैरी 1 6 265, ठीक है। अब इसका क्या करना है, इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं इसका क्या होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं इसका करूंगा तो 265 का तो 5 से जाएगा 25, 1×53 बस नहीं होगा। तो बच्चों इसमें किसी, आप देखो ध्यान से, ए भी निकल गया
BC निकल गया और आपका CA निकल गया। AB कितना निकला? रूट फाइव। BC कितना निकला? फोर रूट सेवन, ठीक है। और आपका मान लो AC कितना निकला? रूट 265। ये निकला ना आपका, ठीक है, ये निकला। अब आप ध्यान से देखो, किसी भी दो को अगर आप जोड़ो तो क्या तीसरे के बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। किसी भी दो का सम तीसरे के सम के बराबर आ नहीं रहा। तो आप ऐसे लिख सकते हो AB plus BC जो है does not equals to CA, है ही नहीं। So they are not collinear। तो इस वजह से collinear है ही नहीं बच्चों। क्या नहीं है? collinear नहीं है। ध्यान समझना, collinear निकालने के लिए तीन पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे। तीनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जैसे ए बी सी, तो पहले ए बी, बी सी, सी ए या ए सी, सेम फॉर्मूला है बच्चों, कुछ नहीं करना। अगर आप ए बी निकालोगे तो इसको भूल जाना, बी सी निकालोगे तो इसको भूल जाना, ए सी निकालोगे तो बी को भूल जाना, सेम फॉर्मूला लगाना। निकाल दिए तीनों के बीच में, अगर कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा हो सिंप्लीफाई हो सिंप्लीफाई कर देना, बिना डरे, डरने की कोई जरूरत नहीं बच्चों, आप हो अपने साथ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो, फिर उसके बाद कोलिनियर निकालने के लिए क्या बोला था? किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होगा तो वो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्द साथ में बने रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए, जल्दी आइए फटाफट, ठीक है। लाइक अगर समझ में आया तो थम्स अप दे देना, अपना ध्यान रखना और प्रैक्टिस जरूर कर देना।